आपकी नंबर पता नहीं रखी अच्छा गया है। और इन जो पेपर देके आया वो तो ये सोचेगा ना कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट आधे आधे बीच में ये पेपर लीक हो रहा है। तो अगर लीक हो रहा है पेपर तो पहले ही क्यों नहीं हुआ, पेपर के मतलब पेपर देने के बाद बोल रहे हैं लीक हो चुका है, ऐसा होता है क्या? क्या लगता है आपको जो पेपर पेपर लीक हो गया तो उम्मीद क्या करें? नहीं नहीं जो तो बोल रहे हैं कि लीक हो गया। कब? आज। किसने बताया आपको ऐसा कुछ? ऐसा तो सोशल मीडिया पे डाल रहे लोग लीक हो गया, गोपेश्वर में और उत्तरकाशी में। और से पटवारी का पेपर देके आए हैं तो वो तो सुना है कि लीक हो गया, बट हम पौड़ी तक तो या फिर वाली बस में आ रखे हैं तो अब यहाँ आके पता चला है कि 8 बज चुके हैं और 8 बजने पे पता चला है कि बस वाले बोल रहे कि हम नहीं लेके जाएंगे और टैक्सी वाले बोल रहे कि अगर फ्री की गाड़ी में आए तो यहीं से भी फ्री की गाड़ी क्यों नहीं छोड़ा उन्होंने तुम्हें। तो उनका बोलना भी सही है, अगर यहाँ तक है तो हमें श्रीनगर तक लेके क्यों नहीं गए ये बस वाले। हम यही कहना चाहते हैं कि अगर हमें आधे रास्ते क्यों पहुँचाए, या तो वहीं से मत उठाते बस में, और अगर उठाया है तो वहाँ हमारी जहाँ से हम जहाँ हमें जाना है वहाँ तक क्यों नहीं छोड़ा है हमें? अभी तक हुई नहीं, आप देखते हैं कितने बजे तक व्यवस्था होती है। तो क्या चाहते हो आप? हमें चाहते हैं कि अगर जिम्मेदारी उठाते हो तो पूरी करके दिखाओ, ऐसा थोड़ी ना होता है कि आधे रास्ते में किसी को छोड़ना अच्छी बात नहीं होती है। महोदय आशीष चौहान जी से बात की तो उन्होंने आपको क्या कहा और किस विभाग से आपको यहाँ पे भेजा गया? आज मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम भी था तो हम सब उसमें भेजे थे, लेकिन जैसे ही डीएम साहब की तरफ से आरटीओ मैडम नेताचंद को इन्फॉर्म हुआ उन्होंने तत्काल मुझे सूचना दी। जब तत्काल हमें सूचना दी तो जो हमारे सारा स्टाफ जो जा चुका था सारा स्टाफ इकट्ठा हुआ, और इकट्ठा होने के बाद एकदम से हम लोगों ने जितने भी हमारे यूनियन थे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे बसों से सबसे संपर्क करने का प्रयास किया गया और हम स्वयं इधर आ गए। तो हमने 2 गाड़ियों का इंतजाम कर दिया था, यहाँ पर कुल 17 बच्चे थे और 2 मैक्स हमारे पास थी और बाकी हम एक और इनोवा भी लेके आ गए थे और बाकी व्यवस्था की जा रही थी। लेकिन अब संतुष्ट अपना सारा 2 गाड़ियों की व्यवस्था हो गई, उस व्यवस्था से गाड़ी बच्चों को श्रीनगर छोड़ दिया गया। जिलाधिकारी महोदय तो हमेशा ही तत्पर रहते हैं और उनकी उसी तत्परता के कारण बाकी हमारे जितने भी अधिकारी हैं वो पूर्णतः ही हर वक्त हर संभव प्रयास करते हैं कि जनता की कोई भी शिकायत हो कोई भी डिमांड हो हम यथासंभव यथाशीघ्र पूरी कर सकें। सर आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र कुमार। समय पुलिस प्रशासन से लेकर तमाम सभी अधिकारियों ने यहाँ पे जो छात्र पेपर देने आए थे उनकी गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो रही थी, लेकिन जिलाधिकारी आशीष चौहान के नेतृत्व में यहाँ पे पुलिस से लेकर तमाम यहाँ पे राजस्व विभाग की टीम पहुँची और इनके लिए गाड़ी कर दी गई। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से जो जिलाधिकारी का जो मैसेज है अधिकारियों के लिए बहुत अच्छा मैसेज है, क्योंकि उनकी बात प्रोटोकॉल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का भी यहाँ का दौरा था और उसके बाद तत्काल ही यहाँ पे इनको यहाँ से श्रीनगर के लिए भेज दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस समय इस संबंध में मैं यहाँ पे मौजूद था तो तमाम जो आप छात्र आप देख सकते हैं कि यहाँ से अपने श्रीनगर के लिए निकल चुके हैं। तो प्रशासन ने आपके लिए गाड़ी की व्यवस्था कर दी गई, तो प्रशासन के पौड़ी प्रशासन के लिए कुछ संदेश कहना चाहिए? धन्यवाद। मुझे कुछ नहीं बोल रहा, ठंड लग रही है तो